आप वजन घटाने के लिए जिम में बड़ा तगड़ा वर्कआउट करते रहेंगे, पर आप क्या खाते हो इसकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। फल और सब्जियाँ ऐसे तो बड़े हेल्दी होते हैं, लेकिन इनमें मौजूद कई ऐसे तत्व हैं जो आपका वजन घटाने के बजाय बढ़ा देता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप सीरियसली अपना वजन घटाने के लिए जी जान लगा रहे हो। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वो कुछ फूड आइटम्स की ओर जिससे आपको नहीं खाना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं एंड एस्पेशली बेली फैट को कम करना चाहते हैं। सादा दही। सादा दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये पाचन शक्ति बढ़ाता है, इसलिए इसे हेल्दी मानते हैं। लेकिन फ्लेवर्ड दही में शक्कर होता है और ये वजन घटाने के लिए जरा भी मदद नहीं करेगा, उल्टा आपका वजन बढ़ा देगा और गैस और सूजन की तकलीफ अलग। गेहूं। विश्व अज्ञान के अनुसार अनाज जैसे राई और गेहूं में फ्रुक्टन नमक एक तत्व होता है जिसे डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन है, जिससे गैस और सूजन की समस्या होती है। कलिंगर यानी कि वाटरमेलन। रिसर्च से ये साबित हुआ है वाटरमेलन भी सूजन की एक जड़ मानी गई है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है, और इसकी वजह है वाटरमेलन में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज। इसी तत्व के वजह से फलों को उसका कुदरती मिठास मिलता है। ये सिद्ध किया गया है कि ये फ्रुक्टोज को सभी लोगों का शरीर पचा नहीं सकता एंड इसे सूजन का कारण भी बन जाता है और ये आपका शरीर का वजन बढ़ा देता है। प्याज यानी कि ऑनियंस। ये सुनके तो आप चौंक गए होंगे, लेकिन प्याज में भी वही तत्व पाए जाते हैं जो गेहूं जैसे अनाज में पाए जाते हैं एंड उससे सूजन जैसी समस्या हो सकती है। दूध के पदार्थ या डेयरी प्रोडक्ट्स। चीज और दूध में कुदरती शक्कर पाई जाती है और इसके अधिक मात्रा में सेवन से आपके पाचन शक्ति में दिक्कत आ सकती है और इस वजह से आपका पेट फूलने लगता है और आप अपना वजन घटा नहीं पाओगे और इस वजह से आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। कुछ सब्जियां जैसे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर में रेफिनोज पाए जाते हैं जो पचाने में तकलीफ देते हैं, जिससे आपका वजन बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ खाद्य पदार्थ जिससे आप ना खाएं तो अच्छा है और जिससे आपका वजन भी कम नहीं होता है। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कुछ और जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों और धन्यवाद।